नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दिलचस्प रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ मंगलवार के व्रत की कुछ रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि मंगलवार के व्रत में क्या क्या खाया जाता है या फिर आप क्या खा सकते हैं। मंगलवार के व्रत की पहली रेसिपी हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। तो यहाँ पर हम घी ऐड कर लेंगे। मंगलवार के व्रत की बहुत सारी रेसिपी इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, तो उन सभी को आप चेक कर सकते हैं। अब हम सूजी ऐड करेंगे। सूजी को अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सूजी है हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची, स्वाद अनुसार चीनी और अब इसको अच्छे से हम सुखा लेंगे। मंगलवार के व्रत के लिए आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, आलू और छिम्मी की सब्जी, वो भी बिना नमक वाली, और पूरी। इसके अलावा मैंने मंगलवार के व्रत की बहुत सारी रेसिपी शेयर की हुई है, जिसमें आपको गुड़ की खीर, काला जामुन, गुड़ के पराठे, उसके अलावा आपको बहुत सारी रेसिपी देखने को मिलेगी। तो वो आप सब मेरे चैनल पे देख सकते हैं, एक बार आप मेरे चैनल को चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो अच्छे से इसको सुखा लेते हैं। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम ऊपर से डालेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो सूजी का हलवा है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सूजी के हलवे को यहाँ पे मैंने निकाल लिया है और इसके ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे सूजी का हलवा तैयार हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे नेक्स्ट रेसिपी, जो है आलू और छिम्मी की सब्जी। व्रत वाली आलू की सब्जी बनाने के लिए हम डालेंगे ऑयल, साबुत जीरा, तेज पत्ता। अब हम इसमें 2 से 3 टमाटर ऐड कर लेंगे, हल्दी का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब हम मसालों को तब तक पकाएंगे जब तक कि यहाँ पे टमाटर अच्छे से कुक नहीं हो जाता है। यहाँ पे हमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, हम बिना नमक वाली सब्ज़ी बना रहे हैं। टमाटर यहाँ पे अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं घिसा हुआ अदरक, और अदरक डालने के बाद 1 मिनट यहाँ पे हमें मसालों को फ्राई करना है। मसाले यहाँ पे हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो आलू को उबाल करके मैंने रखा हुआ है। आलू को इस तरीके से आपको मैश करके इसमें डालना है। उससे क्या होता है कि आप कम मसाले भी डालते हैं, बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी भी बनाएंगे, तो इस तरह से अगर आप आलू को मैश करके डालेंगे तो काफ़ी अच्छी एक रस वाली सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाती है, जिसे आप किसी भी पूरी पराठे के साथ या फिर प्लेन रोटी के साथ भी खा सकते हैं। वैसे तो व्रत में प्लेन रोटियाँ नहीं खाई जाती है, लेकिन प्लेन रोटी बना करके घी लगा के आप उसको खा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आलू को डाल देना है। और अभी हम पानी भी हल्का सा इसमें ऐड करेंगे, तो सब्ज़ी हमारी काफ़ी अच्छी बन करके तैयार होगी। इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। पानी यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। अब इसमें हम मटर के दाने डाल देते हैं। तो मटर के दानों को मैंने पहले से ही भून करके रखा हुआ है ताकि ये थोड़ी ही देर में कुक हो जाए। ये देखिए, इसको तेल में मैंने फ्राई कर लिया था और इसको इसमें हम ऐड कर लेते हैं। बिना नमक के आप कोई भी सब्जी बना करके खा सकते हैं, आलू गोभी, आलू पत्ता गोभी। बैंगन नहीं खाया जाता व्रत में, बाकी करेले वगैरह भी खाए जाते हैं व्रत में। तो आप कोई भी रेसिपी बिना नमक के यहाँ पे बना करके खा सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे रस वाली जो सब्जी हमारी तैयार हो गई है। सब्जी में यहाँ पे उबाल आ चुका है और इसी के साथ आलू की बहुत ही टेस्टी रस वाली सब्जी हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जो कि आप व्रत में भी खा सकते हैं। कसूरी मेथी की कचौरियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी के पत्ते। यहाँ पे मैं जो सूखे हुए पत्ते होते हैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अजवायन, ऑयल मिक्स करेंगे और हल्का हल्का सा पानी डाल करके यहाँ पे आटा गूंद करके रेडी कर लेंगे।
मेथी के पत्तों की जो कचौरियाँ होती है काफ़ी टेस्टी होती है, लेकिन कसूरी मेथी जो ड्राई वाले मेथी के पत्ते होते हैं उसकी भी कचौरियाँ काफ़ी टेस्टी बनती है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आटे को गूंद करके हमने रेडी कर लिया है, तो अब कचौरियाँ बेलना स्टार्ट करेंगे। आटा हमारा पूरी तरह से रेडी है, तो अब कचौरियाँ बेल लेते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा आटा लेंगे, इसको सूखे आटे में लपेट लेंगे। अगर आप चाहें तो तेल पे भी कचौरियाँ बेल सकते हैं। तो ये देखिए कचौरी को मैंने बेल लिया है, इसको अब फ्राई कर लेते हैं। इसको गर्म होने के लिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ है और तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें कचौरियों को डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। आप इन कचौरियों को भुजिया के साथ या फिर किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। और मेथी के जो पत्ते होते हैं फ्रेश हमेशा नहीं मिल पाते हैं, तो अगर आपको मेथी की कचौरियाँ खाने का मन हो तो आप ड्राई वाले जो कसूरी मेथी होते हैं उसकी कचौरियाँ इस तरीके से बना करके खा सकते हैं। काफ़ी टेस्टी लगता है, यम्मी होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल जो इसका टेस्ट होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये देखिए कितना अच्छा इसका जो कलर है वो आया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कचौरी हमारी फ्राई हो चुकी है, तो इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी कचौरियों को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आए फ्रेंड्स, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।